प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, रचना के पहले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया। आज हम जानेंगे वर्ण एवं मात्राओं के बारे में। बच्चों, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों से भाषा बनती है और जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे हमने यहाँ एक शब्द लिया है खाना। बच्चों, खाना शब्द की ध्वनियाँ हैं ख प्लस आ प्लस न प्लस आ। बच्चों, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चों, स्वर वर्ण जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा न लेना पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। बच्चों, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ। बच्चों, इसमें अंग और अ ये अयोग वा हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। एक वो जहाँ स्वर वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वहीं दूसरी ओर व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के माध्यम से ही होता है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। बच्चों, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अंग। इन्हें क वर्ग कहते हैं। वर्ग यानी ग्रुप। इनके पहले अक्षर के आधार पर इनका वर्ग निर्धारण किया गया है। क वर्ग, क पहला अक्षर क। अब च छ ज झ इय, च वर्ग। उसी प्रकार ट ठ ड ढ अण, इन्हें ट वर्ग कहते हैं। त थ द ध न, ये तवर्ग कहलाते हैं। प फ व भ म, ये पवर्ग कहलाते हैं। और इसके अलावा य र ल व, इन्हें अंतस्थ वर्ण या व्यंजन कहते हैं। और श स स और ह, इन्हें ऊष्म वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने रूप होते हैं, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है तथा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, आप घर पर इस पाठ का दोहरान करें। धन्यवाद।